नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। यकीन मानिए कि अंगद तेजू और फतेह को मिलवाने के लिए आया था। हाँ, बीच में उसका कैरेक्टर नेगेटिव जरूर हो गया था। बीच में ऐसा लगा था कि जैसे अंगद के ऊपर सबको बहुत गुस्सा आने लगा था। ऐसा लग रहा था कि बस अंगद जो है वो किसी भी तरीके से तेजू को पाना चाहता है। लेकिन अब अंगद को रियलाइज़ हो गया है कि अगर किसी को प्यार करते हैं तो उसकी खुशी सबसे बड़ी होती है, और वो ये बात जान चुका है। और वो तभी कहता है यहाँ पर आकर कि आपके चेहरे पर देख कर जो मुस्कान होती है वो आपको, जब फतेह को आप देखती हैं तो जो असली मुस्कान आती है उसे देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। और किसी भी हालत में मैं जो है ये मुस्कान वापस लाकर रहूँगा, किसी भी हालत में आप दोनों को अलग नहीं होने दूंगा। जिसके बाद तेजू कहती है कि अंगद जी बहुत लेट हो चुका है, अब तो जैस्मिन की शादी भी है। जिसके बाद अंगद कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा, अभी वक्त है और कुछ तो हो जाएगा। जिसके बाद तेजू कहती है कि हमने डिसाइड कर लिया है और हम सब इस बात के लिए तैयार हो चुके हैं, यानी कि मैं और फतेह, अब इसी तरीके से ही हमें जीना होगा। और ये बोलकर वो चली जाती है और अंगद काफ़ी टूट जाता है। आपको बता दें कि अंगद जो है वो ज़रूर मिलवाएगा फतेह और तेजू को। स्पेशली अगर आपको याद हो तो अंगद की एंट्री इसी वजह से हुई थी कि वो फतेह और तेजू को करीब लाए। फतेह और तेजू को करीब लाने में अंगद का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी हाँ, जिस वक्त तेजू पूरी तरीके से टूटी हुई थी, जिस वक्त उसे कोई भी नहीं दिख रहा था, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था, उस वक्त अंगद हमेशा ही तेजू के साथ खड़ा रहा। यह अलग बात है कि तेजो के लिए वो नेगेटिव भी हुआ है। और जो सबसे बड़ी गलती अंगद की थी वो ये थी कि जैस्मिन से उसने हाथ मिला लिया। खैर, उसे इस बात का एहसास हो गया है और अब माना यही जा रहा है कि अंगद ही एक बड़ी सी चीज़ करने वाला है, बहुत बड़ा सा कुछ धमाल मचाने वाला है जिसे देखकर सबको मज़ा आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो जैस्मिन की शादी होगी, जो अतरंगी शादी हो रही है, उसमें जो मसाला लेकर आएगा वो है अंगद। और यकीनन इसे देखकर आप सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला होगा। और ऐसा भी माना जा रहा है कि शादी जो होगी वो कैसी होगी, किस तरीके से होगी, खुद शादी में अंगद बैठेगा, ये सब अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल तो शादी जो हुई है जैस्मिन की वो अमरीक से ही हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या चीज़ें बदल जाएंगी ये अभी आप ज़रूर देखेंगे। फ़िलहाल अंगद पूरी कोशिश करेगा फतेह और तेजू को मिलवाने के लिए और जैस्मिन का भंडा फोड़ करने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही।